हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे 2020 के लिए। अगर हम आज की इस वीडियो में बात करें तो क्लासिक्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल सेचेस इसको बोलते हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे, बेसिकली 2012 के पेपर को सॉल्व करेंगे, क्लास छठवीं के पेपर को सॉल्व करेंगे, सिक्स के पेपर को। अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की तो आपके 2 घंटे की समय दी जाए जाती हैं। और इसके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको कितने नंबर लाने पड़ते हैं इसकी अगर हम बात करें तो आपको 80 से लेके 86 कह सकते हैं परसेंट तक आपको मार्क्स लाने होते हैं 100 में से, तभी आप कट ऑफ को पार कर सकते हैं। अगर बात करें कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आता है कह सकते हैं। हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और करेंट अफेयर GK या कह सकते हैं सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन मिला के आते हैं। पूरा आपका 100 क्वेश्चन आते हैं और आपके 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होता, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, कोई भी माइनस मार्किंग के इसमें प्रावधान नहीं है। तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहले नंबर पे आते हैं आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म विथ द डिजिट 1, 9 एंड 3 और 8। इन चारों डिजिट से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है, उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 1 है। तो 9, 8, 3, 1, आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या आपको निर्मित करना था तो 9, 8, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 2 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि अ मैन कवर 3 मीटर इन 1 सेकेंड, दिस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। इसमें बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है 3 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में होगी कितनी होगी? तो बेसिकली आपके इसमें आपके डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस आपका 3 है और टाइम आपका 1 है, तो ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। अब इसको हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 से मल्टीप्लाई किए 54/5 आ गया। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 10.8 आएगा, 10.8 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। इसमें बोला जा रहा है कि 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वह आपकी मैन चलेगा, कवर करेगा। नेक्स्ट इसमें द नंबर 49 इन अ रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म। रोमन नंबर में 49 को क्या लिखते हैं? हम जानते हैं 50 को L लिखते हैं, तो और 40 को XL लिखते हैं। तो 49 बोला जा रहा है तो 40 हो गया XL और 9 आप जानते ही हैं कि I और X लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर B आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7.5 kg ऑफ एप्पल इज 450 रुपीज़, वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ एप्पल। इसमें बोला जा रहा है कि 7.5 किलो जो सेब का दाम जो है आपका 450 रुपये है, तो 3.5 किलो का दाम कितना होगा ये बेसिकली आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल आपके रहने वाले हैं। तो पहले आपको 1 kg का दाम निकालना होगा, तो 1 kg का दाम जो हो जाएगा 450 अपॉन में आपका कितना दिया गया, 7.5 दिया, तो 7.5 इसको आप डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट आपका आ जाएगा ये 60 आ जाएगा, 60 आ गया। अब आपको 3.5 निकालना है, तो 3.5 × 60 6 3 जा आपका 180 होता है, तो नियर अबाउट 200 के करीब आने वाला है, तो 210 आएगा। तो 210 आ गया इसका आंसर, 210 आपका रुपीस आपको पे करना पड़ेगा 3.5 किलो सेब के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है इसके लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप 1 kg का दाम निकालेंगे, देन उसके बाद जितने kg का दाम दिया हुआ उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह करेंगे। मैं फुल आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं, इसीलिए मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर मेरी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली वो स्टार्ट हो गए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका 5th नंबर, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92 इज। इसमें बोला जा रहा है कि 69/92 का सरलतम रूप में लिखना है, बेसिकली इसको कट करके लिखना है। तो आप इसको आप कट कर दीजिए, 23 से इसको कट कर दीजिए, 23 से इसको कट कर दीजिए, तो जो आंसर आने वाला है बेसिकली 3/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट।
नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें दिया गया कि कुछ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन दिए, इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। पहला दिया 3/4, नेक्स्ट दिया 5/6, नेक्स्ट दिया 2/3 एंड 7/12 इज। तो इसमें छोटी की बात की जा रही है, तो इस बात का बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जो आपका नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। अगर जिसका डिफरेंस ज़्यादा आता है, जी हाँ, अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है तो वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बट आपका 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो बेसिकली आपका 5 आने वाला है। तो सबसे छोटी आपकी फ्रैक्शन होने वाली है लास्ट वाली 7/12। ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर 7 में बोला जा रहा है कि इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज। आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है आपका ए क्यूब के बराबर होता है, तो ए की वैल्यू आपकी 3 दे दी गई है कह सकते हैं। तो 3 का क्यूब जो होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल देन द लॉस इज। इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपके कॉस्ट प्राइस जो है 12 पेंसिल का इक्वल हो जाता है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल के, तो आपका लॉस कितना होगा। तो लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है CP माइनस SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100 में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो CP आपका SP आपका 15 दिया है, CP आपका 12 दिया है अपॉन में CP इंटू 100। तो ये बेसिकली होने वाला है 15 में से 12 जो माइनस होगा तो आपका 3 आ जाएगा, 3/12 इंटू में 100। तो ये आपका 3 से 12 कट गया 4 टाइम्स में, तो 100 अपॉन में 4। तो कह सकते हैं कि जो आने वाला आपका आंसर 25%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसके लिए करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बट आपको बहुत ही केयरफुली करना है, गलती बच्चे कर आते हैं। इसमें बोला जा रहा है नेक्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। इसमें बोला जा रहा है कि जो रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो आपका आता है πr², अगर उसके सरकमफ्रेंस की बात करें, परिधि की बात करें, तो 2πr आता है उसका सरकमफ्रेंस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 पुट कर रहे हैं, r की वैल्यू 4 × 4, तो ये हो गया 22 अपॉन में 7 इंटू में 16। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 50.24 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 50.24 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपका 10 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर इज डिविजिबल बाय 9। निम्नलिखित में से किन 2 नंबरों को जोड़कर 9 से विभाजित किया जा सकता है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो 27 होता है वो आपका 9 से डिविजिबल हो जाता है आपका 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपके 26 और 28 दे रहे हैं, इसका समा अगर आप करते हैं तो 54 आ जाता है, जो 9 से ईजिली आपका डिविजिबल है 6 टाइम्स में। हिंदी की बात करें तो 9×54 और 9×6=54 आता है। सिंपल आप पढ़ के पढ़ा इजली आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है बेसिकली वो करेक्ट होने वाला है इनके लिए। नेक्स्ट इसमें आपके 11 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द इवन मल्टीपल ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 90 एंड 100। आपके 7 से आपके डिविजिबल हो जाए बेसिकली कह सकते हैं। तो आपका 7 से जो डिविजुअल हो जाएगा आपका 98 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होने वाला है। इसकी बात करें तो 98/7, 98 जो है आपकी इवन मल्टीपल है, ये 1 टाइम में जाएगा, ये आपका 14 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। तो कह सकते हैं कि टोटल आपका 14×7=98 होता है। तो बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें आपके 12 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि साइडेड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रिप्रेजेंट। आपके साइडेड पोर्शन निकालना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितने पोर्शन है, 1, 2, 3, 4। तो टोटल पोर्शन आपके 4 आ गए और साइडेड रीजन कितना देख रहा है, 1, 2, 3। तो साइडेड रीजन 3 हो गया इंटू में 100, 4 से 100 को कट करेंगे 25 आ गया, 3 इंटू 25 इक्वल टू 75%।
तो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो बी है इसके लिए करेक्ट होने वाला है 75% शेडेड रीजन पोर्शन का। नेक्स्ट आते हैं हम आपके 13 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है कि द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर आर 16 and 576 रिस्पेक्टिवली। देन द वन ऑफ द नंबर इज 64, फाइंड द अदर नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि आपका, मैं एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली उसको देख लीजिए। एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू होता है आपका एल सी एम इंटू एच सी एफ बराबर होता है वन नंबर, जैसे मैंने ए लेट कर लिया, दूसरा नंबर बी लेट कर लिया, तो ये आपका फार्मूला होता है एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ एल सी एम और एच सी एफ जो दिया गया बेसिकली 576 इंटू में 16 इक्वल टू ए की जगह आपका दिया गया 64 इंटू में बी, तो बी बराबर हो जाएगा, मैं आपका यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसके लिए बेसिकली जगह नहीं हो पा रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 576 इंटू में 16 अपॉन में 64। 16 से 64 आपका 4 टाइम में कट गया, ये आपका 4 से ये 576 144 टाइम्स में कट जाएगा, तो जो बी की वैल्यू आ गई 144 आ गई, कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है करेक्ट होने वाला है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है 14 नंबर में कि मोहन बोरेड 50,000 एट 16% पर एनम इंटरेस्ट रेट फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी, हाउ मच मनी विल ही रिटर्न आफ्टर 5.5 ईयर। इसमें बोला जा रहा है कि 5.5 साल में आपका 16% आपके जो वार्षिक दर की ब्याज से आपके 50,000 रुपये का कितना टोटल मनी रिटर्न किया जाएगा। तो बेसिकली आप जानते हैं कि बढ़कर आता है, तो इसके लिए हम लोग साधारण आपका ब्याज निकालते हैं, कह सकते हैं SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहाँ पे P जो होता है आपका कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है, बेसिकली हिंदी में मूलधन बोलते हैं मैं भी, और आपका R जो है रेट है, कह सकते हैं ब्याज की दर, और आपका T जो है टाइम है, समय है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 50,000 है, 50,000 लिख दिया, इंटू में आर की वैल्यू आपके 16 है, 16 लिख दिया, और आपके रेट जो हैं कह सकते हैं टाइम की बात करें तो 5.5 है, अगर इसको लिखना चाहे तो 11/2 लिख सकते हैं, 11/2 लिख दिया मैंने, और इंटू में आपके 100 है, तो ये इंटू हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 16 आपके 8 टाइम्स में कैंसिल हो गए, ये आपके 8 हो गए, इंटू में आपका 500 हो गया, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 8 जा आपका 40 आता है, और फिर 5 8 जा 40 आ जाएगा, 4 कैरी, तो कह सकते हैं कि आपका 44,000 आने वाला है बेसिकली। तो ऑप्शन आपका, आप देखते हैं कौन सा करेक्ट होने वाला, तो ये तो आया कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, कह सकते हैं कि साधारण व्याख्या है। अब आपको निकालना जो है आपका बेसिकली पूरा आपको अमाउंट निकालना है, तो आपका जो आपका पी है, पी प्लस एस आई कर सकते हैं इसको हम, तो यहाँ से साधारण आपका जो इंटरेस्ट आया है 44,000 है, प्लस 50,000 कर दीजिए आप, ये आ गया आपका 94,000 कह सकते हैं। तो अब ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं कि 1 जो है करेक्ट होने वाला है इसके लिए 94,000, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। नेक्स्ट इसमें आपके 15 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल देन इट्स पेरीमीटर इज। इसमें बोला जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर की बात करें तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। इसमें बोला जा रहा है कि लेंथ और ब्रेथ को डबल कर दिया जाए, तो पहले ये 2 है, 2L+2B कर दिया जाता है, इस 2 को कॉमन कर लीजिए तो 4 आ गया, एल प्लस बी आ गया, तो आपका 4 गुना कर दिया जाएगा आपके उसके पेरीमीटर का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 करेक्ट होने वाला है 4 गुना। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि सबसेक्शन ऑफ 4.4 -2.39 इज। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई डेसिमल का हम लोग सब्ट्रैक्ट देखते हैं, घटाना देखते हैं, 4.40 है और इसमें बोला जा रहा 2.39 है, ये इसको कैरी दिया है, 10 हो गया, 10 में से 9 के 1 आ गया, यहाँ पे आपका 3 में से 3 के 0 आ गया, पॉइंट में 2, 4 में से 2 गया 2 आ गया, तो 2.01 ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होने वाला है 2.01। नेक्स्ट इसमें आपके 17 नंबर, चेंज द डेसिमल फ्रैक्शन 19.543 इनटू कॉमन फ्रैक्शन। इसमें बोला जा रहा है कि जो दशमलव भिन्न है 19.45543 को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो बेसिकली डेसिमल किस पॉइंट पे लगा है, 1, 2, 3, तो आपके 3 0 से नीचे डिवाइड कर दीजिए कह सकते हैं, तो 19,543/1,000 कर दीजिए,
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका दिख रहा है करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12/17 इंटू 4 इज 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है, 4 में 17 आ जाता है, ये बेसिकली कटेगा नहीं दोनों नंबर। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड जो है करेक्ट होने वाला है, 48/17। बहुत सारे बच्चे ये लगा कर भी आए थे। तो बेसिकली आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसमें आपके 19 नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 23.07 डिवाइड 1000। इसमें बोला जा रहा है कि 23.07 को आपको डिवाइड करने हैं, 1000 से डिवाइड करने हैं। तो आप देख लीजिए बेसिकली कि आपका पॉइंट यहाँ पे है 1, 2, आपके 2 जीरो चले जाएंगे, एक और इधर पॉइंट आने वाला है 1 जीरो के लिए। तो कह सकते हैं 0.02307 आने वाले आंसर। तो ऑप्शन अब मिलाते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड जो है करेक्ट होने वाला है, 0.02307। इसी तरह आपको इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिकली करने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपको कन्वर्ट 0.6625 इंटू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो पहले इसको पॉइंट को हटाने के लिए कितने नंबर पे पॉइंट लगा है, 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर पे आपको पॉइंट लगा हुआ है, तो बेसिकली 6 2 5 4 अपॉन में 4 1 2 3 4 इसको लगा दीजिए। देन इसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आप बेसिकली यूज कर दीजिए बड़े नंबर का। आप कह सकते हैं कि मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, आप बड़े नंबर से किसी को कट कर सकते हैं या 5 से बार बार कट कर सकते हैं। मैं बेसिकली बड़े नंबर से कट कर दे रहा हूँ इन दोनों को, 125 के टेबल से कट कर दे रहा हूँ। बेसिकली आप तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन 5-5 से कट करेंगे तो 53/80 ही आने वाला आंसर। तो ऑप्शन जो है आपका बी जो है करेक्ट होने वाला है, 53/80। ये आपके 20 तक के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन की, कह सकते हैं विज्ञान के क्वेश्चन की। द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती। तो आप जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन है, 78% आपके नाइट्रोजन है और 0.003% आपके कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर्स गैसेस आपके 1% में आते हैं, ऑर्गन, नियॉन, इस तरीके के लिए। नेक्स्ट इसमें आपके 22, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, जो आपका चंद्रमा है आपका अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह है, कह सकते हैं बेसिकली सैटेलाइट जो आपके अर्थ की चक्कर लगाता रहता है वह आपका नेचुरल की बात करें तो मून केवल एक ही है। नेक्स्ट आता है आपका 23, फ्रॉग्स लिव्स, जो मेंढक कहाँ पर रहते हैं। तो आप जानते हैं कि मेंढक जो रहते हैं पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं, जमीन और जल दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि प्लांट्स मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जिसमें हम लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किए जाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़े जाते हैं पौधे के द्वारा। तो ये बहुत ही बेसिक प्रोसेस है सनलाइट की उपस्थिति में। इसमें आपका 25, इसमें बोला जा रहा है कि इंसेक्ट हैव ब्लैंक दिया पेयर ऑफ लेग्स, इंसेक्ट आपके कीटों में पैरों के जोड़े कितने होते हैं। तो बेसिकली आपके पैरों के जोड़े की बात की जा रही है, पेयर आपके इंसेक्ट की बात की जा रही है, तो आपके बेसिकली आपके 3 पेयर होते हैं कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला है थर्ड, 3 पेयर होते हैं। पेयर की बात ध्यान रखिए कि पेयर बोला जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है इसमें आपके बेसिकली आपके 2 पेयर होते हैं पैर, 2 आपके उसके पंखों से लेके की जाती है कीटों में, तो बेसिकली 3 पेयर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंडिमेंट्री रॉक्स, निम्नलिखित में से और सादी चट्टान नहीं है। तो आपकी प्यूमिस जो है आपके सेंडिमेंट्री रॉक्स में नहीं आते हैं, आपके सैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये तीनों आपके सेंडिमेंट्री रॉक्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके 27, इज अ फोर्स विच स्टॉप मूविंग थिंग्स, आप जानते हैं कि जो घर्षण बल लगता है वह गति को अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे रोड अगर आपका ख़राब है तो आप बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत धीमे धीमे बाइक चला पाएंगे, बहुत तेज़ी से नहीं चला पाएंगे। अगर सरफेस स्मूथ है तो आप अच्छे से चला सकते हैं, उस पर जो होता है फ्रिक्शन कम लगता है कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका 1 करेक्ट होने वाला है, फ्रिक्शन के कारण आपके जो होते हैं स्टॉप मूविंग थिंग्स होते हैं, मतलब जो आपकी गति में अवरोध उत्पन्न होता है वो आपकी घर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट इसमें आपके 28, इसमें बोला जा रहा है कि द मोशन ऑफ पेंडुलम इज, पेंडुलम आपके कैसे मोशन करते हैं। तो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक का मतलब आवर्ती है, जैसे ऐसे पेंडुलम खड़ा है तो ऐसे 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 घूम रहा है, तो ये आपके पीरियोडिकली मोशन हो गया। एक धागे से बांध के बॉल को लटका दिया जाए और उसको खींच के छोड़ दिया जाए, या कह सकते हैं हम झूला जैसे झूलते, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम हैज द फॉलोइंग ऑर्गन्स,
रक्त परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से अंग होते हैं? तो बेसिकली आपके हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं, कह सकते हैं कि हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होने वाला है इसके लिए। नेक्स्ट है आपके 30 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि सॉयल इरेजेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, आपके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ बंस, नेक्स्ट है आपके ग्रोइंग ग्रासेस, नेक्स्ट है आपके ट्रेसिंग्स और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपके करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं ऑल ऑफ द एबव, इन सारे प्रोसेस के थ्रू आप मृदा अपरदन कह सकते हैं। मृदा अपरदन वो प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी आपके ऊपर उपजाऊ जो मिट्टी रहती है पानी के बहाव के कारण वो कट जाता है बेसिकली। इसमें आता है आपका 31, कंजक्टिवाइटिस इज ए कॉमन इन्फेक्शन ऑफ, एक संक्रमक है कौन सा है? आइज का है, ईयर का है, गम्स का है और स्किन का है। तो बेसिकली आपका जो कंजक्टिवाइटिस है इन्फेक्शन वो बेसिकली आइज का है। इसमें आपके जो आइज हो जाते हैं पिंक हो जाते हैं, कह सकते हैं रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 32, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, आपके कौन सी गैसें जो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलती हैं कह सकते हैं? तो आपका ऑक्सीजन निकलता है, O2। नेक्स्ट इसमें आपका 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है इसमें से। तो जो वुड होता है, लकड़ी होता है, वो इलेक्ट्रिक का कह सकते हैं विद्युत का सुचालक नहीं होता है बेसिकली, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट इसमें आपका 34, इसमें बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस इज ए, ऑक्सीजन गैस बेसिकली आपका एलिमेंट होता है जिसका आपका सिंबल हो सकता है, कह सकते हैं ओ होता है या O2 भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें आपका 35, इसमें बोला जा रहा है कि एनिमल दैट ब्रेथ थ्रू स्प्रिकल्स आर्स, श्वसन रंध्रों से सांस लेने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो उनको इंसेक्ट कहते हैं, कीट कहते हैं बेसिकली, वह आपके श्वसन रंध्रों से सांस लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क बाय एयर प्रेशर, कौन से आपके वर्क नहीं करते हैं इसमें से इंस्ट्रूमेंट जो एयर प्रेशर पे वर्क नहीं करते हैं? पहला है आपका श्रिंकेज, नेक्स्ट है आपका फैन, तीसरा है आपका साइफन और लास्ट है आपका वाटर पंप। तो जो वाटर पंप भी होते हैं और आपके साइफन होते हैं और सिरिंज होते हैं वो सारे आपके एयर प्रेशर पे वर्क करते हैं, और फैन जो होता है डायरेक्टली बिजली से चलता है पंखा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 37, इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट्स प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? पहला है आपका गुलाब कह सकते हैं रोज, नेक्स्ट है आपका पिक्चर प्लांट्स, नेक्स्ट है आपका रिफ्लिसिया और लास्ट है आपका लोटस। तो जो रिफ्लेसिया है वो बेसिकली आपका पैरासाइट्स प्लांट से कह सकते हैं परजीवी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आपके 38, क्लोरोफिल इज ए पर्ल हरित क्या होता है? तो आपका ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण पौधे का जो पत्तियों का रंग होता है बेसिकली हरा होता है, ग्रीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 39, बैकबोन प्रोटेक्ट्स, जो आपके मेरुदंड सुरक्षा करता है कौन सा क्या करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड से, जो बेसिकली आपके आईज से भी जुड़े होते हैं कह सकते हैं, आपके नर्व सिस्टम से भी जुड़े होते हैं, माइंड से भी जुड़े होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स। नेक्स्ट इसमें आपका 40, गैसेस हैव, गैसेस में जो होता है आपका इनडिफाइंड शेप होता है और इनडिफाइंड वॉल्यूम होता है, कह सकते हैं कि दोनों आपकी अनिश्चित होती हैं बेसिकली। तो इसमें आपके नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं। रीजन उसका ये है कि डिफाइंड शेप और डिफाइंड आपका वॉल्यूम जो होता है बेसिकली सॉलिड में होता है। तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके हिंदी से क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 41, इसमें बोला जा रहा है कि बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बादल शब्द का पर्यायवाची जलद, जल, नीरज और नीरद। तो बादल का शब्द जो पर्यायवाची नीरद होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। नेक्स्ट आता है आपका 42, उदय शब्द का विलोम, उदय मतलब आपका बेसिकली उगना होता है तो उसका आपका विलोम हो जाएगा अस्त, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे आपके कंफ्यूजन हो सकते हैं, डूबना शाम सवेरा, तो डूबना भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उदय मतलब आपका कह सकते हैं अस्त। नेक्स्ट इसमें आता है 43, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध श्रीमती ऐसे ही लिखा जाता है जब बड़े मम्मी के नाम के आगे, जैसे आपकी मम्मी के मदर के नेम के आगे श्रीमती लगाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इसमें आपके 44, महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान किसे दिया है? तो ये आपका अर्जुन को दिया, ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इसमें आपके 45, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बोला जाता है कि किसी स्थान, नाम, ऐसे
नाउ इन द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स बोला जाता है, तो आपका नाम मोहन बेसिकली संज्ञा हो गया यहाँ पे। जो आसानी से ना मिले उसे क्या कहते हैं, जो आसानी से ना मिले उसको दुर्लभ कहते हैं। जैसे दुर्लभ पौधा होता है, दुर्लभ जीव भी होते हैं, पंछी भी होते हैं, तो उसी तरह जो आसानी से ना मिल सके उसको दुर्लभ। नेक्स्ट इसमें आपके 47 अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, मतलब अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकल जाए तो आदमी फिर पूछता भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 48 दिए गए वाक्यों में से विस्मय आदि बोधक शब्द बताइए, उफ कितनी गर्मी है। तो जो आपका उफ हो गया कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन देख लेंगे, वो आपका विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का एक प्रसिद्ध पात्र है, तो ईदगाह का आपका प्रसिद्ध पात्र जो है आपका हामिद है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आपका 50 नींबू खट्टा है वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो नींबू खट्टा, खट्टा यहाँ पे मतलब गुड़ बता रहा, तो गुड़वाचक लास्ट ऑप्शन करेक्ट होने वाले इसमें। और सारे ऑप्शन को भी आपको क्लियरली पढ़ना ही पड़ेगा कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 51 इसमें बोला जा रहा है कि शेर पेड़ फिर डैश दिया है सो रहा था, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक आप फिल करना है इसमें। तो शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, तो के नीचे। नेक्स्ट इसमें अर्जुन की धनुष का क्या नाम था, तो अर्जुन के धनुष का नाम जो था गांडीव था, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपकी 53 भगवान कृष्ण की माता के क्या नाम था, तो भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। नेक्स्ट है 54 निष्काम का सिंधी विच्छेद क्या होगा, तो नी है धन काम, लास्ट ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 55 वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के बेसिकली दो भेद होते हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपकी 56 गंगा है, गंगा क्या है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें आपका कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपका धरा शब्द का सही अर्थ है, धरा मतलब धरती, भू धरा पृथ्वी ऐसे धरती को बोला जाता है। 58 महीने में दो बार प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या होगा, तो आपका पाक्षिक होता है, इसको ध्यान में रखिए कि भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, बहुत बार रिपीट किया, यहाँ तक कि क्लास 9th में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आपके 59 वाणी का तत्सम रूप है, वाणी मतलब वाणी, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। लास्ट है हिंदी का क्वेश्चन आपका 60 नंबर, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, तुलसीदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है तो श्री रामचरित मानस, बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है, बहुत ही फेमस इनकी रचना है आपकी तुलसीदास की श्री रामचरित्र मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेसिकली सोशल साइंस से कह सकते हैं, इसमें आपका 61 जो है इसमें बोला जा रहा है कि वेयर द सन टेम्पल इज सिचुएटेड, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है आपका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जो बेसिकली आपको उड़ीसा में पड़ता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कह सकते हैं कि पूरी में पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आपके 62 विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर होगली, होगली नदी की किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, तो कोलकाता, कलकत्ता बसा हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपके 63 इसमें बोला जा रहा है कि आर के लक्ष्मण इज ए फेमस फॉर विच आर्ट, आर के लक्ष्मण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कार्टून मेकिंग के लिए कह सकते हैं कि कार्टून चित्र बनाने के लिए आर के लक्ष्मण जो है बहुत ही फेमस है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 64 अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस में आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 64 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN सिचुएटेड, इसमें बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बेसिकली न्यूयॉर्क में है, जो बेसिकली USA में पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आपका 65 वेयर द जिम कार्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड, यह बेसिकली उत्तराखंड में है, जो बेसिकली आपके टाइगर को रिजर्व करने के लिए इस पार्क का उद्घाटन किया गया था, बेसिकली इसमें आप जवाहरलाल नेहरू ने इसका आपका उद्घाटन किया हुआ था जिम कार्बेट पार्क का। नेक्स्ट इसमें आपके 66 कवर ड्राइव वर्ड इज यूज इन विच गेम, कवर ड्राइव जो होता है आपके क्रिकेट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपके 67 हु इन्वेंटेड द फाउंटेन, कौन आपके फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, तो आपका लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आपका 68 है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका सुंदरवन इज सिचुएटेड इन
द स्टेट किस स्टेट में आपका सुंदरबन का डेल्टा स्थित है कह सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आता है इसमें आपका 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, निम्नलिखित में से किसे झीलों का सर कहा जाता है, उदयपुर को, उदयपुर को कहा जाता है, जिसका आपके किंगडम किसकी बात करें तो मेवाड़ किंगडम थे बेसिकली, राजस्थान में पड़ता है उदयपुर आपका। 1559 में आपके जो वहाँ के महाराणा थे उदय सिंह, उन्हीं के नाम पे आपका उदयपुर इस राज्य का नाम पड़ा हुआ है बेसिकली कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 70, इसमें बोला जा रहा है कि इन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, येन, इसमें बोला जा रहा है कि जापान की जो करेंसी है बेसिकली वो आपकी एन है और इंडिया की करेंसी आपकी रुपीस है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक एन बराबर कितने रुपीस होते हैं, एक डॉलर बराबर कितने रुपीस होते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 71, व्हाट इज द हार्डेस्ट वैरायटी ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो डायमंड जो होता है आपका कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है, ग्रेफाइट भी आपके कह सकते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, डायमंड के बाद आपका ग्रेफाइट ही आने वाला है बेसिकली। नेक्स्ट होता है इसमें बोला जा रहा 72 में कि व्हाट इज कालबेलिया, कालबेलिया क्या होता है, तो बेसिकली एक टाइप्स ऑफ डांस होता है जो बेसिकली राजस्थान में किया जाता है, तो एक प्रकार का नृत्य है जो राजस्थानी नृत्य कह सकते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 73, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन बाय, आपके नोबेल पुरस्कार के इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है बेसिकली, तो आपके खेल में जो होता है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र फिजिक्स के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इसमें आपके 74, वेयर इज गोलकुंडा फोर्ट सेचुएटेड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश में है बेसिकली, अब आपका तेलंगाना में हो गया जो हैदराबाद में है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट होना था, आपके 2012 के पेपर की बात कर रहे हैं तब के हिसाब से वो आपका आंध्र प्रदेश में था। नेक्स्ट इसमें आपके बोला जा रहा 75 में, एट हायर एल्टीट्यूड इट इज डैश टू ब्रेथ, अब जब हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे कह सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जब जाएंगे तो सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है बेसिकली ऊपर, तो ऊपर जब पहाड़ पे आप चढ़ाई करते हैं बहुत ऊपर जाते हैं तो आपके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं बेसिकली अगर हाई एल्टीट्यूड पर हम लोग यात्रा करते हैं तो। नेक्स्ट इसमें आपके 76, इसमें बोला जा रहा है कि हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2012 की बात करिए उस हिसाब से आपके मनमोहन सिंह जी थे, अगर इस समय की बात की जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 77, विच रिवॉल्यूशन इज मेनली एसोसिएटेड विथ अन्ना हजारे, अन्ना हजारे का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से था, तो आपके लोकपाल बिल के वजह से था, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ये सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि वुमेन एजुकेशन, कावेरी, वाटर डिस्प्यूट्स और इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जो आपके चार ऑप्शन दिए जाते हैं उसको आपको क्लियरली अच्छे से पढ़ना है बेसिकली, फिर उसके बाद ही आपको ऑप्शन को टिक करना है। एक आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, बबल्स में आपके ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको बबल्स को ऐसे सर्कल करने रहते हैं, तो उसमें आप एक ही क्वेश्चन को करते जाइएगा और साथ में ही सर्कल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को करने के बाद एक साथ सर्कल कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में अगर टाइम नहीं बचता है तो आपका पेपर छूट सकता है, तो जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी टाइम आप बबल्स कर दीजिए तुरंत। इसमें आपके 78, भारत कला भवन इज सिचुएटेड इन, आपके वाराणसी में जो भारत कला भवन है आपका बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं, कैंप मेन कैंपस में ही आपके एंट्री होते ही आपके लेफ्ट साइड में भारत कला भवन है कह सकते हैं, आपके बीटी टेंपल के रास्ते पे है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को संग्रहित इसमें किया गया है, तो आप कभी बनारस आइए तो मोस्ट वेलकम है आपके लिए। नेक्स्ट इसमें आपके 79, हु वॉज द मास्टर गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपके चाणक्य थे, तो ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आपके 80 नंबर, कुरान इज द स्क्रैड बुक ऑफ, कुरान किस धर्म का ग्रंथ है, तो बेसिकली इस्लाम का कुरान धर्म है। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके 81, इसमें बोला जा रहा है इंग्लिश से बेसिकली ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, व्हाट इज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड फॉल, फॉल का जो आपका पास्ट टेंस क्या होता है, तो फेल होता है, तो एफ ई डबल एल। नेक्स्ट इसमें आपके 82, व्हाट इज द यंग वन ऑफ काउ कॉल्ड, काउ के यंग मतलब बछड़े को क्या कहते हैं, तो उसको काल्फ बोलते हैं, सी ए एल एफ। नेक्स्ट इसमें आपके 83,
व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड लाफ? लाफ का अपोजिट मीनिंग, लाफ मतलब होता है हंसना, तो आपको वीप हो जाएगा, रोना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 84, फाइंड द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपके करेक्ट वर्ड को फिल करने हैं वेदर, द वेदर इज कोल्ड टूडे, तो वेदर की स्पेलिंग WEATHER, वेदर। नेक्स्ट इसमें आपके 85, विच वन इज करेक्ट स्पेलिंग फॉर हेड ऑफ अ स्कूल। हेड ऑफ स्कूल को प्रिंसिपल बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग जो होती है PRINCIPAL, तो प्रिंसिपल होती है तो PAL होती है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। PLE मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपके 86, प्लूरल ऑफ थीव, थीव का प्लूरल आपका जो हो जाएगा थीव हो जाएगा THIEVES, तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला आपके। इसमें आपके 87, फेल विथ करेक्ट डिटरमाइनर्स। इसमें आपको करेक्ट डिटरमाइनर्स फेल करना है, तो ही डज नॉट हैव मच मनी, तो मच ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें करेक्ट होने वाला है कि ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास आपके पैसे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपके 88, चूज अ कंजक्शन, कंजक्शन को आपको फिल करना है बिटवीन, एमोंग, नेवर और बिकॉज, तो बिटवीन एमोंग जो है बेसिकली आपके प्रीपोजिशन है, बिकॉज जो होता है कंजक्शन होता है, कंजक्शन वो होता है जो बेसिकली दो सेंटेंस को आपके जोड़ने का काम करता है कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन जेंडर, इसमें आपके कौन से फेमिनिन जेंडर है, तो कह सकते हैं डक, डक जो होता है आपके बेसिकली स्त्रीलिंग है, उसका जो आपका मेल फॉर्म होता है ड्रैक होता है DRAKE। नेक्स्ट इसमें आपके 90 नंबर, चूज द राइट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, माय फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक ए वीक, तो इसमें आपको बेसिकली नन ऑफ दिस होने वाला है, क्योंकि अगर वीक दिया रहता है या लास्ट वीक दिया रहता है तो सिंस लगा देते, माय फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट लास्ट वीक, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसमें। नेक्स्ट इसमें आपके 91, द वर्ड क्लब इज एग्जाम्पल ऑफ, क्लब बेसिकली होता है ग्रुप का कह सकते हैं समूह है, क्लब में बेसिकली ढेर सारे आपके मेंबर होते हैं, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होने वाला है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपके 92, फाइंड आउट द मिस स्पेल वर्ड, मिस स्पेल आपको छाटने हैं, तो यहाँ पे रिसीव की जो स्पेलिंग थी वो गलत थी, RECIEVE थी, जो बेसिकली होता है RECIEVE होता है, रिसीव का मतलब एक्सेप्ट करना कह सकते हैं, किसी चीज़ को पा लेना, रिसीव कर लेना उसको बोलते हैं, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 93, आई गॉट फिर ब्लैंक दिया है 1 रुपी नोट ऑन द रोड, तो यहाँ पे आपका 1 रुपी नोट दिया है, तो ONE चालू हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली लगेगा ए, लगेगा ए 1 रुपी नोट, ONE आ रहा है बेसिकली वॉवेल्स, वॉवेल्स के साथ एन का यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन से 1 रुपीस नोट के पास आपका इसका हिंदी का उच्चारण करेंगे तो 1 आएगा, तो आपका ए का यूज करेंगे यहाँ पे। आपके 94, इट इज रॉन्ग आंसर, द वर्ड रॉन्ग इज, रॉन्ग बेसिकली आपके एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 95, इसमें बोला जा रहा है कि द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नेफे, इसका आपका जो मतलब होता है इसका मतलब भतीजा, तो भतीजी किसको बोलते हैं, तो आपके नाइसी को बोलते हैं, NICE, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 96, रमेश इज सीनियर देन मी इन एज, बेसिकली यहाँ पे देन नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका जो लगेगा यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउंस यहाँ पे लग रहे हैं, तो रमेश इज सीनियर टू मी इन एज, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 97, फ्लू, फ्लू इज द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लाई, का जो पास्ट सिंपल टेंस होता है आपका फ्लू होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट होने वाला है, और थर्ड फॉर्म जो होता है आपका फ्लोन होता है, तो इसको बेसिकली याद कर लीजिए, वर्ब के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म को याद कर लीजिए, जो बेसिकली 2-3 क्वेश्चन इसमें दिख जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपके 98, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बोला जा रहा है कि आई हैव टू पेन, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होने वाला है, चौथा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपके 99, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय सम वन एल्स इज कार्ड,
आपका बोला जा रहा है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, जो आपके जीवन का जो हिस्ट्री है कह सकते हैं इतिहास से लिखा जाए, रिटन बाय सम वन एल्स, उसको बोलते हैं आपकी ऑटोबायोग्राफी। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। और इसमें है आपके 100 क्वेश्चंस एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है उपयोगी, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है उसमें क्या कमियाँ रहेगी, क्या हानियाँ रहेगी, क्या आपके कह सकते हैं लॉसेस रहेंगे, तो डिसएडवांटेज। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। बेसिकली आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सारे सब्जेक्ट का कम्बिनेशन रहता है। आप सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करके अच्छे से इस एग्जामिनेशन को इजिली क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इस पार्ट में अच्छा लगा और क्या आपको प्रॉब्लम हुई वीडियो को समझने में। साथ ही साथ आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करके बताइए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।